अगर आप क्रैक करना चाहते हैं जेके बैंक एग्जाम तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और ये सब आपको सिर्फ मिल रहा है 999 में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, ए कैन डू ए पीसा वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू सेम पीसा वर्क इन 25 डेज इफ दे स्टार्ट द वर्क टूगेदर बट आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट द वर्क। कहता है कि दोनों एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं लेकिन 6 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड, कितने दिनों में पूरा काम खत्म हुआ होगा ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ए अपने काम को 20 दिन में पूरा करता है, सेम बी 25 डेज। फ्रेंड्स, टाइप सेकंड में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम ही होगा टोटल काम, तो सेम एलसीएम बन जाएगा 100। ए अगर 20 दिन में 100 काम करता है तो यानी कि एक दिन में 5 काम करेगा, सेम बी एक दिन में 4 करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर उसने बोला है इफ दे स्टार्ट द वर्क टूगेदर कि वो दोनों काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर 6 डेज 6 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। 6 दिन बाद जाता है ए, यानी कि 6 दिन तक ए और बी दोनों ने काम किया है, तो ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, ए और बी 6 दिन में, तो 9 × 6 करेंगे तो 54 काम हो जाएगा 6 दिन में। तो फ्रेंड्स, 54 काम हो गया, टोटल काम है 100, तो रिमेनिंग वर्क बच जाएगा 100 − 54, 46 काम बच जाएगा, जो कौन करेगा? बी। बी एक दिन में 4 काम करता है तो 46 काम को करने में बी ने 46 / 4 करेगा तो 11 2/4 बन जाएगा, यानी कि 11 1/2 बच जाएगा। तो हमने बताना है टोटल डेज, तो फ्रेंड 6 डेज ये है, 11 1/2 डेज ये है, यानी कि 6 + 11 1/2 ये बन जाएगा आपका 11 × 6 = 17 1/2 डेज। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 and 30 डेज। दे स्टार्ट द वर्क बट 3 डेज बिफोर कम्प्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट। ए और बी अपने काम को 24 और 36 डेज में पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, दे स्टार्ट द वर्क, काम स्टार्ट करते हैं बट 3 डेज बिफोर कम्प्लीशन ऑफ वर्क, काम पूरा खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, तो बताना है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा। फ्रेंड्स, लेफ्ट कर लेते हैं, ये पूरा काम है तो दे स्टार्ट द वर्क बट 3 डेज बिफोर, काम खत्म होने से 3 दिन पहले, यानी कि जहां पे 3 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, तो इस काम को कौन करेगा? बी। और जहां से लेकर जहां तक दोनों करेंगे ए प्लस बी। फ्रेंड्स, ए 24 डेज में और बी 36 डेज में। फ्रेंड्स, एलसीएम ही होगा टोटल काम, तो एलसीएम आ जाएगा 72, यानी कि 24 × 3 और 36 × 2। फ्रेंड्स, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। अब उसने बोला दे स्टार्ट द वर्क बट 3 डेज बिफोर, काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, तो फ्रेंड्स यानी कि ए और बी ने स्टार्ट किया था, जहां पे आके ए ने छोड़ दिया, ये काम करेगा बी। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में 2 × 3 करेगा तो 6 काम कर देगा 3 डेज में। तो फ्रेंड्स, टोटल काम है 72, रिमेनिंग बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क 72 − 6 = 66 बच जाएगा रिमेनिंग काम, जो कौन करेगा? ए और बी ने किया होगा स्टार्टिंग में, तो ए और बी 5 काम करते हैं तो 66 काम को डिवाइड 5, ये बन जाएगा आपका 13 1/5। तो फ्रेंड्स, टोटल डेज आपके बन गए
थ्री डेज जी है और 13 3 प्लस 13 1 बाय 5 तो फ्रेंड्स बन गए 13 और 3 16 1 बाय 5 डेज। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फ्रेंड्स ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड डेट ऑफ बी 9 डेज। ए अपना काम 12 दिन में खत्म करता है और बी सेम काम 9 दिन में, तो फ्रेंड्स एलसीएम ही होगा टोटल काम, तो एलसीएम इनका बन जाएगा 36। ए अपने काम को 12 दिन में खत्म करता है, 12 में खत्म होता है यानी कि एक दिन का काम इसका होगा 3। सेम बी का एक दिन का काम होगा 4। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट उसने बोला बी स्टार्ट द वर्क अलोन, बी ने अकेले काम करना स्टार्ट किया बट आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट, 3 दिन काम करने के बाद बी ने भी छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया काम, तो यानी कि बी ने 3 दिन काम किया। बी एक दिन में 4 काम करता है तो 3 दिन काम किया उसने, तो 4 × 3 12 काम किया बी ने और काम छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क टोटल काम था 36, रिमेनिंग वर्क बच गया 36 में से 12 हो गया तो 24 काम बच गया। अब बी ने छोड़ दिया है, बी के छोड़ने के बाद ए ने ज्वाइन किया, अब ए करता है एक दिन में 3 काम तो 24 काम टोटल है, तो ए उस काम को 24/3 यानी कि 8 डेज में बचा हुआ काम ए खत्म कर देगा 3 दिन में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड बी इन 12 डेज। ए अपना काम 9 दिन में खत्म करता है, सेम बी उसी काम को 12 डेज में करता है। इफ द वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटली होता है 1/1, एक दिन ए करेगा एक दिन बी, नेक्स्ट डे फिर ए देन बी, तो फ्रेंड्स इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी फिनिश्ड, कितने दिन में काम खत्म होगा ये पूछा है, जबकि ए बिगिंस द वर्क, स्टार्ट कौन करेगा फर्स्ट डे ए, तो फ्रेंड्स ए अपना काम 9 दिन में खत्म करता है, सेम बी 12 डेज में, तो फ्रेंड्स एलसीएम ही होगा टोटल काम, तो इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा 36। अगर ए 9 डेज में अपना पूरा काम करता है तो यानी कि ए का एक दिन का काम होगा 4 और 12 × 3, बी का होगा 3 काम एक दिन का, तो फ्रेंड्स अब उसने बोला इफ द वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटली मतलब 1/1, फर्स्ट डे ए करेगा, ए एक दिन में 4 काम करता है यानी कि ए ने फर्स्ट डे 4 काम किया, सेकंड डे बी करेगा, बी एक दिन में 3, नेक्स्ट डे फिर ए करेगा, थर्ड डे ए 4 करेगा, फिर बी 3 करेगा, सो ऑन चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट डे किया ए ने, सेकंड डे किया बी ने, यानी कि 2 दिन लगाए, ए ने किया 4, बी ने किया 3, तो टोटल काम हुआ 2 दिन का 7 काम, 2 डेज 7 वर्क। तो फ्रेंड्स टोटल काम है 36, 2 दिन में अगर ये दोनों 7 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में करेंगे ये 14 काम, 6 दिन में करेंगे 21, 8 दिन में करेंगे 28 और 10 दिन में करेंगे ये 10 डेज में करेंगे 35 वर्क। फ्रेंड्स टोटल वर्क है 36, तो रिमेनिंग वर्क बच गया, टोटल है 36 तो 36 में माइनस करेंगे 35 तो 1 वर्क बच गया, जिसे अब कौन करेगा, ए की टर्न है, तो ए एक दिन में करता है 4 काम, टोटल काम बचा हुआ है 1 तो 1/4। अब टोटल डेज बताने हैं हमें काम में, तो 10 डेज में किया था उन्होंने 35 प्लस 10 डेज में किया था 35 वर्क और बचा हुआ काम 1 वर्क जो बचा था वो किया 1/4 डेज में, तो प्लस 1/4 डेज, तो 10 प्लस 1/4 फ्रेंड्स बन जाएगा 10 1/4 डेज। फ्रेंड्स यही है आपका राइट आंसर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप की। फ्रेंड्स
ए बी एंड सी। अब तीन पर्सन है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 25 और 30 डेज। यानी कि ए करता है 20 में, बी करता है 25 एंड सी करता है 30 में। दे स्टार्ट द वर्क टूगेदर, तीनों ने काम को एक साथ स्टार्ट किया। आफ्टर 2 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क, काम के 2 दिन स्टार्ट हुए ही थे कि ए ने छोड़ दिया 2 दिन बाद। एंड 3 डेज आफ्टर ए, 3 दिन ए की छोड़ने। ये था हमारा आज का डेमो लेक्चर, और अगर आप फुल फ्लेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स। और ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि नोट्स, प्रीवियस पेपर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जस्ट इन 999 रुपीज़। सो गाइज, अगर आप रियलिटी में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हरी अब जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। थैंक यू, बाय।